आज मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की, बातचीत की और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रहे समूह की दीदियों से बातचीत हुई है, समूह की कैडर दीदियों से, समूह में नौकरी करने वाली रोजगार करने वाली दीदियों से। चलिए वीडियो को लाइव दिखाएंगे हम आपको और वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल बनी हुई है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस लाइव वीडियो में क्या चीज़ें आपको सही लगी क्या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी डिटेल लाइव दिखाते हैं। कितने लोग हैं इसमें? 18 लोग हैं सर। क्या काम कर रहे हैं?
कुछ लोग सब्जी का दुकान खोली है, कुछ पशुपालन कर रही है, एक चने का मतलब बेसन बनाती है उसका खोली है मशीन ला करके। अच्छा जी सर, तो ये सब बिक जाता है? हाँ बाजार में। जिन लोगों ने गाय भैंस लिया ना, तो गाय भैंस दूध भी देती है जी। और दूध कहाँ लेते हैं लोग? मार्केट में बिक जाता है। कितने रुपया लीटर दूध बिकता है? 50 रुपया लीटर गाय का। 50 रुपया लीटर जी। हाँ, और 60 रुपया लीटर भैंस का। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छा चलता होगा फिर। ठीक है, कितना पैसा कमा लेते होंगे प्रत्येक समूह से जुड़ी हुई महिला महिला महीने में? 10 से 15 हजार रुपए तक तो। 10 से 15 हजार रुपया, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर रेला जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग बांसपार में। जी सर, बहुत अच्छा है, और भी लोगों को प्रेरित करिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोग। नंदा नगर से जहाँ विकास समूह से कुमारी शमील एजाज जी। सर नमस्कार, मैं जहाँ विकास सेवा संस्थान से कुमारी शमील बोल रही हूँ। सर मैं 98 से समूह पे कार्य कर रही हूँ। क्या काम करवा है आपके? सर मैं समूह का निर्माण करती हूँ, पहले डाकू पेटी करती थी और शहरी क्षेत्र में डूडा के माध्यम से करती हूँ एनएलएम में। सर पहले समूह पे जो हम लोग काम करते थे, समूह को बहुत चीजें नहीं बता पाते थे क्योंकि सरकार उसका साथ नहीं देती थी और उनको खुद भी जागरूक नहीं होती थी। पर जब से सरकार आपकी आई, मोदी सरकार आई, सर समूह इतना जागरूक हो गया है कि अपना उत्पादन कैसे कर। सामान बहुत सारे सामान ऐसे भी हैं जो देश के बाहर भी जा रहे हैं समूह के, उससे उनकी अच्छी आय हो रही है। तो जो भी समूह कार्य कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है, उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है और कोई भी सरकारी विभाग से जो भी सहायता समूहों को दी जानी चाहिए। अब समूह खुद भी बहुत जागरूक है, वो पूछती है कि हमको क्या मिलेगा, तो वो आवास योजना हो चाहे रेल का भी कोई भी माध्यम, सबसे वो जाकर के स्वयं ही काम करवा लेती है। पहले कोई ना कोई बिचौलिया होता था काम के लिए। आप बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए? सर अभी कम से कम 10,000 महिलाएं हैं। 10,000 महिलाएं जी सर। ये सभी लोग किसी न किसी काम से जुड़ी थी? जी सर, कार्य से जुड़ी हुई है, कार्य कर रही है। जो कुछ महिला ऐसी भी है जो आपसी लेन देन कर रही है, जो ब्याज पहले ब्याजों पे पैसा लेती थी वो समाप्त करके अपने से ही पैसा वो बैंक की तरह बांट रही है। बहुत सुंदर। इसमें सरकार से कोई आपकी अपेक्षा? सर बस यही है कि जो एनुअलम में जो पैसे हैं सर, रिवॉल्विंग फंड है, वो बहुत छोटी धनराशि है, 10,000 रुपए है। उसके बाद सीसीएल होता है सर जो बैंक देते हैं, बस वही है। ठीक है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद कार्यक्रम में अगली लाभार्थी कजाकपुर से सवेरा सेवा संस्थान से श्रीमती वीना सानी जी। नमस्ते सर, मेरा नाम वीना सानी है, सवेरा संस्थान एनजीओ से मैं अध्यक्ष हूँ। और सर अपने एनजीओ से सर शहरी आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह महिलाओं का गठन करती हूँ। क्या करते हैं आप लोग इसमें? सर इसमें महिलाओं को जो सुविधा है उसके बारे में बताया जाता है। और सर इसमें महिलाएं मिट्टी की ज्वेलरी और झूमर और मूंछ का काम, सर अचार पापड़ तमाम तरह के काम भी करती है महिलाएं। कितने लोग हैं आपके समूह में? सर हमारी 5,000 महिलाएं हैं। और सर मार्केटिंग की थोड़ी सी सारी चीज। आप थोड़ा खड़ा करो ना, एक आपने लिया है, आपने भी लिया है, ऐसे ही और भी लोग लेंगे तो उस बहुत ही एक माध्यम बनेगा। यस सर। और जैसे बहुत सारी समूहों में महिलाओं ने गाय या भैंस पाला है जी, दुग्ध समिति का गठन करके चीनिंग प्लांट लगाना और फिर उसको डेयरी तक पहुंचाने का कार्य करना, बहुत पैसा उसके माध्यम से कमा सकते हैं। आप ऐसे कोई बीसी सकी भी है? सर हमारे शहरी क्षेत्र में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में तो होंगे सर। हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की सुविधा दिया तो शहरी क्षेत्र में भी सर। देखिए शहर में बैंक की शाखाएं नजदीक नजदीक है, वहाँ पे बैंक भी अपना करते होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हमने कोरोना काल कांड में जहाँ बैंक की पहुँच से दूर था
वहाँ दे किया गया था, लेकिन उसमें आप लोगों का तो आप लोगों की आप लोग क्या सरकार से अपेक्षा रखते हैं? सर यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं मिल रही हैं वो शहरी क्षेत्र की महिलाओं को भी मिले। और आप लोग गठन करिए, जरूर सरकार इस पे ध्यान देगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। संवाद की इस कार्यक्रम के उपरांत नारी सशक्तिकरण पर आधारित शक्ति वंदन अभियान से प्रेरित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं परिवार के हालात सुधार भी रही है और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री राजेश त्रिपाठी जी था, उसमें भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई संसद में पहला अधिनियम पारित किया, वो पारित किया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसके अंतर्गत देश की विधानसभा, देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं में परिसीमन के बाद महिलाओं को 33% सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। पहली बार संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है, यानी जो प्रतिनिधित्व अब तक होता नहीं था, बहुत कम नारी संसद में या विधानसभा में पहुंच पाती थी। अब किसी के चाहने और न चाहने से नहीं होगा, बल्कि 33% से अधिक सीटें महिलाओं के लिए वहां आरक्षित रहेंगी, वे वहां पर जाएंगी और वहां पर उस सीट पर केवल वही लड़ भी पाएंगी। मोदी जी ने आने के बाद 2014 के बाद से जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, मातृवंदना योजना के माध्यम से, या फिर जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का केंद्र बिंदु बिना भेदभाव के महिलाएं हैं, किसान है, नौजवान है, गरीब है, कैसे उसका लाभ दिया जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण में अकेले गोरखपुर जिले के अंदर 61,556 लोग लाभान्वित हुए हैं। आप सोचो, जिस परिवार के पास अपना स्वयं का घर नहीं है, क्या बीतती होगी इस परिवार में। और महिलाएं खासतौर से सबसे ज्यादा सफरर कोई होता है, सबसे ज्यादा पीड़ित होता है महिला होती। मुख्यमंत्री आवास योजना में भी आवंटित जो आवास है वह 38,866 आवास अकेले गोरखपुर जिले को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से 3,880 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कुल गठित जो स्वयं सहायता समूहों की संख्या वो 20,847 है और इसमें कुछ महिलाओं की संख्या जो जुड़ी हुई है, ये 3,05,000 से अधिक महिलाएं इसके साथ सीधे सीधे जुड़ी हुई है। जो निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त करती है गोरखपुर में 63,563, वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित महिलाएं 6,094, 54,062 और दिव्यांगजन पेंशन से लाभान्वित होने वाली महिलाएं 6,094। पीएम किसान यानी किसान सम्मान निधि में मुझे बहुत अच्छा लगा कि गोरखपुर के अंदर 1,05,300 से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हैं और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 2,91,000 से अधिक महिलाएं सीधे सीधे गोरखपुर जिले के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। महिला स्वयंसेवी समूह 56 फेयर प्राइस शॉप यानी राशन कोटि की दुकान का संचालन कर रही हैं और इसमें 438 महिलाएं
इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। अब आप देख सकते हैं, यानी पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो अगर वे घर से बाहर नहीं निकलती तो महिला स्वयंसेवी समूह के साथ नहीं जुड़ पाती, समूह नहीं बना पाती, एनजीओ के साथ मिलकर काम नहीं कर पाती, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। आज तो उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिलता है, आयुष्मान भारत का भी लाभ मिलता है, पीएम स्वामित्व योजना में मालिकाधिकार महिलाओं को प्राप्त होना है। इसके अलावा और भी तमाम योजनाएं, प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने एक कार्यक्रम और प्रारंभ किया, वह है प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अप्रैल से हम उस राशि को 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। कोई बेटी जन्म लेगी, बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक के पैकेज की व्यवस्था हम करते हैं। अभी तक 17,00,000 से अधिक बेटियों को इस योजना से हम जोड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, 3,00,000 से अधिक बेटियों की शादी इससे अब तक संपन्न हो चुकी है। यानी एक एक योजना को जोड़ने का काम पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90,00,000 महिलाओं को जहां पे घर है वहीं पर उनका जमीन का मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाना, यह कार्यक्रम भी हो रहा है। और टेक होम राशन में हर विकास खंड में प्लांट लगा करके पोषण अभियान के माध्यम से अच्छा आहार महिला स्वयंसेवी समूह स्वयं तैयार करके वितरित करेगी, मुनाफा भी अपना कमाएगी। यह भी है वीसी सखी, बैंकिंग क्रॉस्पोंडेंट सखी, बैंक की कमी को दूर भी कर रही है और गांव की एक बेटी या गांव की एक बहू को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित भी कर रही है। स्नातक की शिक्षा बालिकाओं के लिए फ्री है, उसके बाद भी भेदभाव हो इसको हमें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और आज जब हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, यह नारी बंधन अभियान के अंतर्गत शक्ति सम्मान का जो समारोह है, यह समारोह इसी बात को प्रदर्शित करता है कि कार्य हुआ है तो हम उसको बोले।